दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप लोग भी उसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, जॉब क्यों नहीं मिल रहा है और हम इतनी ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते भी हैं और भुगत भी रहे हैं और हम सब भुगत रहे हैं इसी क्राइसिस से। और दोस्तों दिवाली के बाद जॉब की भरमार हो जाएगी और मार्केट में जो क्राइसिस है वो भलीभांति जो है अच्छी अच्छी कंपनी जो है उससे जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और आम आदमी को तो छोड़िए, आम आदमी और कंपनी सबको इफेक्ट पड़ा है, हर बिजनेसमैन को इफेक्ट पड़ा है। और आने वाले समय में दिवाली के बाद जो है बहुत सारी कंपनियों ने अपना दरवाज़ा खोल लिया है और वैकेंसी के लिए जो है प्लानिंग कर लिया है। इसका विशेष कारण है कि दिवाली के पहले बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां जो है एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसी ओपन नहीं कर रही है। कारण ये है कि ऐसा है कि बहुत सारे जो कंपनी है सोचती है कि अगर हमने रिक्वायरमेंट अभी क्लोज किया तो दिवाली में जो है उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनियों के टर्म्स कंडीशन होते हैं तो बोनस से अलावा बहुत सारी सुविधाएं होती हैं उनको देना पड़े, तो अपने खर्च बचाने के लिए वैसे भी जो है उनको भी तकलीफ है और प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग जो है ये अर्थ की प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को लॉस हुआ है। तो सब मिला के मूड यही बना रहे हैं कि दिवाली के बाद यानी दिवाली के बाद तब तक कुछ और कमी आ जाएगी और जहाँ तक मुंबई की बात है ट्रेन वगैरह जो है चालू हो जाएगी तो तभी जो है वो लोग ओपन करेंगे। तो मेरा कहना है कि तब तक दोस्तों आप अपने स्किल पे काम कर लीजिए और अगर फिर भी कुछ बीच में मिलता है मेरे रेफरेंस के द्वारा या फिर अदर आपके रेफरेंस के द्वारा तो बीच में ट्राई भी करते रहिए और कुछ भी जो भी है आप थोड़ा सा ट्राई करने पर खुद के स्किल पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। जो लगता है कि आपको इंटरव्यू में कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा है या फिर किसी और रीजन से तो उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, ओके। और मार्केट के हिसाब से अभी दिवाली के बाद भी बहुत सारी ओपनिंग बहुत ज़्यादा आने वाली है और हर जगह आने वाली है ये मान के चलिए, ठीक है। तो अब तक बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपना ख्याल रखिए।